तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरा पुराना यहाँ पे सीआरटी टीवी है, जिसको कि मैं एक यहाँ पे स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्चुअली मैं एक सीआरटी मॉनिटर है, एलजी कंपनी का है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक टीवी में कन्वर्ट किया था टीवी ट्यूनर कार्ड की मदद से, बट अभी मैं इसको एक स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा आज की इस वीडियो में, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह का एक पुराना टीवी वगैरह पड़ा हुआ है, फिर पुराना मॉनिटर वगैरह पड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कनेक्शन लगा हुआ है यहाँ पे टीवी ट्यूनर से, इसको हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। तो केबल को हमने यहाँ से निकाल दिया है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्रीन पे क्या शो कर रहा है, चेक सिग्नल केबल नो सिग्नल करके यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे अभी भी कोई सिग्नल नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है ये एनीकास्ट। इसी डिवाइस की मदद से हम जो है इस पुराने मॉनिटर को एक स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करने वाले, ठीक है। तो इसका जो दाम है वो 700-800 के करीब आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट में मिल जाता है। तो चलिए हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं और यहाँ पे ये स्मार्ट टीवी बनता है कि नहीं, चलिए ट्राई करते हैं। तो गाइज अभी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे जो है HDMI इंटरफेस है, यहाँ पे HDMI कनेक्टर है, बट यहाँ पर जो है इस वाला केबल जो है VGA केबल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे, बिकॉज ये जो केबल है ये निकलता भी नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, मतलब फिक्स्ड है, इसको आप निकाल भी नहीं सकते। तो यहाँ पे इसको कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए आपको इस डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जो कि है एक VGA टू HDMI कन्वर्टर। देख सकते हो इसके एक साइड में यहाँ पे HDMI है और यहाँ पे आप अपनी VGA केबल को लगा सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कनेक्ट तो हो चुका है, बट अभी भी एक दिक्कत है कि देख सकते हो इसमें जो है HDMI का कनेक्टर है और जो हम लोग यहाँ पे इसको लगाने वाले हैं तो इसमें भी HDMI है, तो दोनों तो ऐसे कनेक्ट होगा नहीं। तो इसके लिए हमें एक और डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, एक और यहाँ पे कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो कि HDMI फीमेल टू फीमेल कनेक्टर, ठीक है। इसके दोनों साइड में आप देख सकते हो HDMI केबल वगैरह को कनेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग इसी की मदद से दोनों को साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, एनीकास्ट जो है हमारे मॉनिटर से कनेक्ट हो चुका है, बट अभी भी आप देख सकते हो नो सिग्नल ही आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो है अभी तक हमने इसमें पावर नहीं दिया है, इसमें पावर को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी चार्जर वगैरह से या पावर बैंक से आप इसको पावर दे सकते हो। तो इसमें एक केबल आती है, ये वाली केबल, तो इसको आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा इस साइड में, ठीक है, और ये जो है आपको चार्जर में या पावर बैंक में इसको कनेक्ट करना होगा USB को। इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले चार्जर से हमने कनेक्ट कर दिया है और इसमें एक ब्लू लाइट जल रही है, आपको भी नहीं दिख रही होगी, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पे एक ब्लू LED यहाँ पे जल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कनेक्ट हो चुका है और कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें शो कर रहा है स्क्रीन पे। अभी ये देख सकते हो एक ग्रीन कलर का आपको शो कर रहा होगा, पता नहीं वो कैमरा में इस तरह शो कर रहा है, ऊपर कर रहा हूँ तो ऐसे कर रहा है, फिर नीचे कर रहा हूँ तो वैसे शो कर रहा है, बट वो स्क्रीन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी इसमें क्या करना होगा कि हमें स्मार्टफोन को अपना कनेक्ट करना होगा इससे। तो गाइज देख सकते हो ये मेरा स्मार्टफोन है, उसके बाद क्या करना है, स्मार्टफोन को लेके सबसे पहले तो आपको अपने वाईफाई वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कूल बिल्ड करके आपको एक यहाँ पे जो है वो SSID दिख रहा होगा और यहाँ पे भी स्क्रीन में भी आपको कूल बिल्ड करके देख सकते हो, कूल बिल्ड USCD करके एक वाईफाई का SSID दिख रहा है। तो इससे आपको सबसे पहले कनेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इसका जो है पासवर्ड है, इसका पिन है, ठीक है। तो आपको इसको एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हो कि ये कनेक्ट हो रहा है और यहां पे देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको अपने फोन के यहाँ पे कास्ट वाला ऑप्शन पे चले जाना है। तो कास्ट वाला ऑप्शन को यहाँ पे आपको इनेबल करना है और इनेबल करने के बाद यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन आ गया, तो टर्न ऑन कर देते हैं। उसके बाद ये डिवाइसेस को सर्च करेगा तो कूल बिल्ड करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो वहां पे भी ये कूल बिल्ड है और वही वाला डिवाइस यहाँ पे सर्च कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस क्लिक करना है और बस थोड़ा सा वेट करना है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो स्मार्टफोन है हमारे यहाँ पे टीवी से कनेक्ट हो चुका है। अभी मैं अपने स्मार्टफोन में जो चीजें भी करूंगा वो आपको यहाँ पे स्मार्ट टीवी में दिखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे ऐप ड्रॉअर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे भी देख सकते हो ऐप ड्रॉअर ओपन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीजें भी करता हूँ वो इसमें शो करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्मार्टफोन में यूट्यूब ओपन कर लिया और यहाँ पे भी देख सकते हो यूट्यूब जो है वो ओपन हो चुका है। तो मैं कोई आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये वाला वीडियो को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। आप लोगों का मिला गाइस, वो बताने के लिए मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है। प्रियम कहूंगा आप सभी को थैंक यू वेरी मच, आप सभी को इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी 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 मच। इतना ही नहीं गाइज, आप चाहो तो यहाँ पे हॉटस्टार, अमेज़न प्राइम और ये सब एप्लीकेशन भी रन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे हॉटस्टार ओपन करके रखा है अभी, यहाँ पे अगर मेरे को कुछ प्ले करना है तो वो भी मैं पहले प्ले करूंगा तो मेरे टीवी में डायरेक्टली चलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अवतार मूवी प्ले करके दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट वाला पार्ट है एक्चुअली, ठीक है, तो इसको प्ले करते हैं यहाँ पे। और ये क्या, यहाँ पे तो हमें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोल रहा है गाइज, और हमारे पास एक्चुअली में सब्सक्रिप्शन है नहीं, तो सॉरी गाइस, ये मैं आपको प्ले करके नहीं दिखा सकता, मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, वरना मैं आपको जरूर दिखा देता, कुछ और प्ले कर लेता है। तो गाइस यूट्यूब तो चल गया, बट अभी मैं आपको एक गेम प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हिल क्लाइंब रेसिंग करके एक गेम है, तो इस गेम को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और चलिए देखते हैं कि गेम किस तरह से यहाँ पे काम करता है। गाइस देख सकते हो कि गेम हमारी स्टार्ट हो चुकी है, अभी चलिए इसको प्ले करते हैं यहाँ पे, और देख सकते हो कि लेवल 2 में हूँ। तो चलिए गेम को प्ले करते हैं और देखते हैं किस तरह से मजा आता है बड़े स्क्रीन में गेम खेलने का। ठीक है, तो देख सकते हो कि गेम बिल्कुल फ्लॉलेसली चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी लैग नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जिस तरह से स्मार्टफोन में चल रहा है उसी तरह यहाँ पे स्क्रीन में भी चल रहा है, टीवी में भी चल रहा है, तो ये काफी अच्छी बात है। तो गाइज इस तरह से आप अपने पुराने यहाँ पे सीआरटी मॉनिटर को एक स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो और काफी सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।